सिटी की अध्यक्षता में सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की बैठक हुई संपन्न। चुनाव को साकुशल संपन्न कराने की दी जानकारी। यूपी बोर्ड की दूसरी पाली की परीक्षा का अपर नगर मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण। कहा, शांतिपूर्वक नकल विहीन चल रही है परीक्षा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित हुआ दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। विविध राज्यों के वक्ताओं ने संस्कृत वाड्यम में बिंब विधान विषय पर रखे विचार। लोकसभा उपचुनाव की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने बनाया विधानसभा वार वीडियो निगरानी टीम। अग्रवाल महिला समिति ने मनाया बसंत उत्सव और किया मां को समर्पित वैलेंटाइन डे। मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गई प्रस्तुति। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ई डिस्ट्रिक्ट भवन में एकल खिड़की प्रणाली सातवें दिन भी प्रदर्शनी में हुई जमकर खरीदारी। दुकानदार हुए गदगद। गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उप निर्वाचन के व्यय अनुवीक्षण सेल के नोडल अधिकारी बने मुख्य कोषाधिकारी। उपचुनाव के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने गठित किया वीडियो अवलोकन टीम। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने उपचुनाव को साकुशल संपन्न कराने को विश्वविद्यालय के स्थल भवन को किया अधिकृत। अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में सेक्टर बूथ प्रभारियों की बैठक हुई संपन्न। बूथों की स्थिति का आकलन करने के दिए निर्देश। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी की 112 रनों से लखनऊ पर शानदार जीत। उप निर्वाचन में मतदाताओं की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत छात्राओं की 13 को बनेगी मानव श्रृंखला। और तीसवीं वाहिनी पीएससी गोंडा ने जीता छठवीं अंतर वाहिनी पीएससी मध्य जोन मल्लखंभ प्रतियोगिता।